जवान के मीट एंड ग्रीट इवेंट में खास थी शाहरुख की लेडीज गैंग यानी वो स्क्वाड जो फिल्म में छाई रही। वही फिल्म में नयनतारा, दीपिका और शाहरुख खान के अलावा ये लड़कियां भी हैं जिनमें शामिल है सानिया मल्होत्रा संग ढेर सारी ये लड़कियां और इनके साथ टीवी के मशहूर चेहरे सुनील ग्रोवर भी जिनका इस फिल्म में एक छोटा सा रोल है। तो चलिए मिलते हैं सुनील ग्रोवर संग जवान की लेडीज गैंग से। वैसे टीवी की दुनिया से यहाँ पर रिद्धि ठोकरा है और सुनील ग्रोवर यानी हमारी गुत्ती जो स्टेज पर इन गर्ल्स गैंग के साथ गुत्ती वाले अंदाज में नजर आई लेकिन एंट्री मारी शाहरुख के स्टाइल में। मैंने फिर पॉज लिया, फिर आपने बोला सुनील ग्रोवर भी आ जाए तो अभी तक आप उसी में उठके हुए हो कि मैं लेडी सूट पहन के बैठा हुआ हूँ यहाँ पे। मैं पहले ही आके आपको हाय हेलो रिस्पेक्ट के साथ बोल चुका हूँ। नहीं, इसके अंदर मैं बदमाश हूँ छोटा, जिन्होंने नहीं देखी है सॉरी, इतना भी नहीं हूँ अभी तक, लेकिन काउंटिंग बता रही है कि बहुत लोगों ने देख लिया है जो दोबारा देखे उनको पता ही है। मेरे लिए हमेशा से ड्रीम था और मेरे लिए मेरा ड्रीम्स पूरा हुआ है कि मुझे शाहरुख सर के साथ काम करना था। एंड थैंक यू एटलीस्ट फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी कि मुझे काम करने का मौका मिला। और तो और उन्होंने ना एक सीन में मुझे मुक्का मारा, मैंने कहा एक और और मेरे को तो अभी ये है कि अभी नए चार गेटअप और तैयार करने हैं मुझे। ऑफकोर्स मैं उनकी कॉपी करके इतना प्यार करता हूँ मैं उनको कि उनकी कॉपी करके मुझे मेरा फर्स्ट शो था टीवी पे जो लोगों ने पसंद किया जिससे मुझे रिकग्निशन मिली, तो मेरा तो अलग कनेक्शन है, आपको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। ओके सो हाई एवरीबडी, मेरा पहला दिन, इफ आई हैव टू आंसर दैट, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी यहाँ पे सब कैसा फील कर रहे हैं एक बार सुना दो। ये था मेरा पहला दिन क्योंकि मेरा पहला दिन ऑफ शूट वॉज विद शाहरुख, सो दिस इज व्हाट आई वॉज फीलिंग इन माई हार्ट। हेलो एवरीवन, फर्स्ट आई वुड लाइक टू से आई रियली मिस गिरिजा, प्रिया मणि एंड संजीता विदास जो हमारे बाकी की बढ़िया सी तीन लड़कियां हैं, मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ आज। माई फर्स्ट मीटिंग विद एटली सर वॉज ऑन अ जूम कॉल जिसमें मुझे नरेट कर रहे थे, मैंने कभी उनको बताया नहीं है कि मैं 5 मिनट में ही सोच लिया था कि मैं ये फिल्म कर रही हूँ, बट ही हैड टू नरेट द होल फिल्म। थ्रू आउट आई वॉज जस्ट इमेजिनिंग हाउ आई एम गोइंग टू डू माई सीन एंड आई वॉज नॉट कम्प्लीटली देयर, लाइक वो कुछ एक घंटे से ज़्यादा हमारा कॉल चला था पर मैं 5 मिनट में जोन आउट हो गई थी कि इसमें तो मैं हूँ, अब मैं क्या करूँगी, फिर मैं शाहरुख सर से मिलूँगी, अच्छा मैं सेट पे ऐसे जाऊँगी, तो रेस्ट ऑफ द कॉल आई वॉज क्वाइट जोन आउट। सो दैट वॉज माई फर्स्ट मीटिंग एवर विद एटली सर, आई एम रियली सॉरी एटली सर, बट थैंक्स अ लॉट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। It took me the amount of time it took to meet Shahrukh sir because he was just so kind and so cool from the first time we met him that you know it jo bhi matlab obviously main nervous thi unse milne but he just hugged us so warmly and he treated us like co-actors not like little bachchas you know in front of him. So I just want to say anyone who said don't meet your heroes clearly has not met Shahrukh sir because he's just awesome, so didn't feel nervous. I am searching for him since I was little. And मुझे मिल गए तो उससे ज़्यादा बड़ा क्या हो सकता है? वो पूरा जो sequence था, जितना भी time लगा, what were the conversations जब short नहीं आप film कर रहे थे? जब नहीं कर रहे थे तो कुछ भी बात कर रहे थे हम लोग, मतलब कुछ भी, हम तो सर से, I mean starting with Sanjita asking a question regarding black water, आप क्या खाते हो, हम क्या करते हो, सब कुछ। तो बिहाइंड सीन कॉन्वर्सेशन हमारे यहाँ पे उतने फनी साउंड करेंगे नहीं वैसे, बट हमें तो बड़ा मजा आता था। यानी पूरी टीम बहुत खुश है कि पूरे देश और विश्व में जवान को पसंद किया गया और इस मौके पर सबने पूरे देश और विश्व का किया शुक्रिया अदा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।